इसीलिए उस पर चर्चा का विषय भी नहीं था। सर, लालू जी का नीति से बयान आया है कि आप लोग बौखलाए हुए हैं, बेचैनी है, जमीन के बदले नौकरी लेने का काम आप लोग करते हैं, इसलिए बयान जारी किया। अभी तुरंत कोई बयान होगा उसके बारे में हम लोग अभी देखे नहीं है, और उनके बयान को देखेंगे तो उसके बाद बात करेंगे। सरकार सरकार चल रही है। सुधाकर जी, क्या लालू जी से बातचीत हुई आप लोगों की, विधायकों से जो बातचीत हुई क्या कहा? सरकार को लेकर कोई चर्चा नहीं हुआ, लोकसभा को चुनाव को लेकर के चर्चा हुआ, उस पर एकजुटता की बात हुई, और कोई भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी निर्णय लेंगे। लेकिन स्वाभाविक है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी निर्णय लेते हैं कोई भी, और कोई भी अगर नई परिस्थिति पैदा होगी तो वही निर्णय लेंगे। वो कुछ भी बोलने से परहेज कर रहे हैं, लेकिन इतना जरूर कर रहे हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी को अधिकृत किया गया है और लालू प्रसाद यादव ही इस पर फैसला लेंगे। क्या क्या हुआ, बातचीत क्या हुई? कुछ नहीं, सभी विधायकों ने ऑथराइज कर दिया है अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को, जो भी डिसीजन लेंगे वो उनके ऊपर। वर्तमान हालात पर कुछ तो चर्चा हुई? कुछ नहीं, हम लोगों ने पूरा उन्हीं के ऊपर सोचा। तो ये देख लीजिए कि विधायक कुछ नहीं, क्या क्या हुआ? नॉर्मल बैठक थी, और जो भी बात है वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बोलेंगे उसमें जो भी है। लेकिन आप लोगों से तो राय ली गई होगी ना, जो क्या करना चाहिए अभी की परिस्थिति में? हम लोगों ने बोला है जो भी बात है वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष। उन्होंने तो देखिए, बैठक खत्म हो गई है और पार्टी के जो सुप्रीमो हैं वो निकल रहे हैं, और इस तरह से आप कह सकते हैं कि विधायकों ने राजा सुप्रीमो को अधिकृत कर दिया है, और ये कहा जा रहा है कि वही फैसला लेंगे। विधायकों के निकलने का सिलसिला शुरू हो चुका है, और सुनील सिंह है, एमएससी है, क्या फैसला हुआ सुनील जी? अरे भाई, सभी लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद जी को हम लोगों ने सर्वसम्मति से उनको अधिकृत कर दिया कि आप जो भी निर्णय लीजिए पार्टी के पक्ष में, सब हम लोगों को मान्य है। क्या हुआ पूर्वे साहब? सब ठीक है, चलिए अरे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को हम लोगों ने अधिकृत किया है, जो उनका निर्णय होगा हम लोग मानेंगे। क्या नीतीश कुमार अगर फैसला लेते हैं तो क्या करेंगे? अरे क्या होगा नहीं होगा, मैंने हम लोग सारा निर्णय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पर छोड़ दिया है। अगर नीतीश कुमार कोई फैसला लेते हैं वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बताएंगे इस पर। क्या आप लोग ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जी निर्णय लेंगे उसके बाद हम बोले? आप लोग राजभवन, हम लोगों ने अभी अधिकृत किया है अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, उनका जो निर्णय होगा वो हम सब लोग मानेंगे। ऑल इज वेल, राजभवन जाएंगे, ऑल इज वेल, राजभवन जाएंगे, ये ऑल इज वेल, बस नहीं मुख में।